उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड परीक्षा का ये प्रथम प्रश्न पत्र है। इसमें सामान्य अध्ययन के बारे में हम बात करेंगे। 1 से 30 क्वेश्चन जो आए थे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलक्ष कहा जाता है। ये इसका ऑप्शन डी सही होगा, शतपथ ब्राह्मण, क्योंकि इसी में पहली बार मलक्ष भाषा का उल्लेख किया गया है। बाकी मलक्ष शब्द सबसे ज़्यादा बार जो प्रयोग किया गया है वो मनुस्मृति थी, और मनुस्मृति में जो भी विदेशी लोग थे उन सब के लिए एक ही शब्द प्रयुक्त होता था, वो था मलक्ष। वो चाहे यूनानी हो, रोमन हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी होते थे, विदेशी जो भी होते थे उनके लिए ये शब्द यूज होता था, मलक्ष शब्द ही यूज किया जाता था। लेकिन जो संस्कृत भाषा नहीं बोल सकते थे उनको मलक्ष कहा गया, ये शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। दूसरा था जो मैचिंग वाला था, दूसरा मैचिंग वाला था, इसमें चंद्रगुप्त प्रथम था, उनकी पत्नी थी, ये कुमार देवी इनकी पत्नी थी, और चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पत्नी थी वो कुबेर नागा थी। अगर दो का पता है तो बाकी का पता हो जाएगा, इसका जो सी ऑप्शन वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, वह भारतीय राजशासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है, जो अर्थशास्त्र है कौटिल्या की। दूसरा स्टेटमेंट है, इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। पहला वाला बिल्कुल सही है कि यह भारतीय प्राचीन जो शासन व्यवस्था थी, राजशासन व्यवस्था थी, उसके बारे में प्राचीनतम ग्रंथ है और बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ है कौटिल्य का लिखा हुआ। और दूसरा जो कथन कर रहा है, इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं। मौर्य साम्राज्य के शासन के बारे में उल्लेख है और सभी का विधिवत उल्लेख किया गया है कि मंत्री परिषद और मंत्री न तीर्थ वगैरह सबका चक्र, इन सब का उल्लेख बाकायदा उसमें आता है। इस वजह से पहला वाला सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन इसका ए होगा वो सही हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया है। तो ये अपने इब्न बतूता हैं, मोरक्को के निवासी थे, अफ्रीका के, और इनको काजी नियुक्त किया गया था अपने मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और इन्होंने भारत के जितने भी शहर थे उनके बारे में वर्णन किया है और इनको दिल्ली को सबसे उत्कृष्टतम शहरों में से एक बताया है। तो ये अपने इब्न बतूता सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला आंसर जो है दोस्तों वो कह रहे हैं, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही पेट क्वेश्चन है, कई बार आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पॉलिटी का क्वेश्चन है, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक होती है। तो ये दोस्तों होता है 14 दिन होता है, मतलब 2 सप्ताह का समय दिया जाता है, 14 दिन हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किसी राज्य के राजपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो पहला ऑप्शन था भारत का राष्ट्रपति, फिर भारत का उपराष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बस यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है। तो हम जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था जो है भाग 9 में इसका उल्लेख है, तो इसका भाग 9 यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए भाग 9। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधन शाला नहीं है। गुजरात में तो है, अंकलेश्वर वगैरह हम जानते हैं,
पश्चिम बंगाल में भी है, और इसको डाउटफुल है इसका, केरल में जहाँ तक मेरा अनुमान है नहीं है। इसको बाद में हम कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है, कह रहा है कि कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती? हंटर नदी बहती है, फ्लिंडर रिवर, ऑरेंज रिवर और गिल्बर्ट रिवर। ये दोस्तों ऑरेंज रिवर में कंफ्यूज मत होइएगा, ऑरेंज रिवर वैसे तो दक्षिण अफ्रीका में भी बहती है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी बहती है, गिल्बर्ट भी बहती है, हंटर भी बहती है फ्लिंडर्स को छोड़ के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फ्लिंडर्स रिवर ये नहीं बहती, बाकी सारी बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ था, ये नागालैंड में हुआ था, माइनस में हुआ था इसमें, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी, नागालैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये 12वां क्वेश्चन कह रहा है, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? तो जनसंख्या नियंत्रण का जो माल्थस का था वो कोई कृत्रिम उपायों से संबंधित नहीं था, वो कृत्रिम उपायों की बात नहीं करता है, तो इसका जो आपदा है डिजास्टर ये सही हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जियोम नहीं है? जियोम की अगर बात करें, बायोम की, तो रेगिस्तान होता है, घास का स्थल भी होता है, पारिस्थितिकी तंत्र नहीं आता, ये अपना अलग होता है, टुंड्रा भी होता है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 13वें का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया था, अपना उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में है, ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है? ये चौथे सर्वेक्षण के अनुसार पूछ रहा है, तो ये 2.2 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 16 क्वेश्चन है, ये कह रहा है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में स्वीकार किया जाता है? ये 1921 जो है ये महाविभाजन, क्योंकि इसके बाद एकदम से चेंज हो गया था, तो ये इस साल 1921 में माइनस में जनसंख्या थी, उसके बाद हमारे यहाँ जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ गई थी, तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SRI विधि संबंधित है, ये विधि संबंधित होती है धान से, तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सुमिलित करना है फसल है और कीटों के बारे में दिया है, तो इसका जो बाकी फली छेदक मूँगफली का होता है, फली छेदक चने का भी होता है, और जो लोग खेती बाड़ी से संबंधित हैं वो जानते होंगे, और मक्का का तना छेदक भी होता है, ये धान का जो बंका है ये नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा 18वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का आलू मूंग के फसल चक्र की सघनता है, फसल चक्र की सघनता इनकी 300 हो जाएगी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित करना है फसल और प्रजाति को, बताना है कौन से नहीं है सुमिलित, बाकी सारी सुमिलित हैं, एक है जो सुमिलित नहीं है, जो अलसी है, अलसी का चमत्कार नहीं होता, तो ये ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं हो सकता? प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक्स, तो क्षय रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है, टेटनेस भी उसी के द्वारा होता है, हैजा भी उसी के द्वारा होता है, केवल खसरा जो है वायरल ये डिजीज़ है, तो वायरल डिजीज़ एंटीबायोटिक्स के द्वारा नहीं ठीक हो सकता, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खसरा मिसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है, कंप्यूटर के चार्ल्स वेवर्स हैं, आविष्कारक जानते हैं, रेडियो के कार्ल वेन्स नहीं है, मार्कोनी है, तो बैरोमीटर के डॉर्सोली हैं, और डायनमो के माइकल फेराडे हैं, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेडियो वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह सदैव क्या कह रहा है, अपनी चाल से ही भ्रमण करते नहीं, स्थिर रहते हैं नहीं, भूस्थिर रहते हैं, जियो स्टेशनरी, यस भूस्थिर रहते हैं, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, जियो स्टेशनरी होते हैं, इनका 24 आवर्स इनका परिक्रमण काल होता है,
24वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? तो जो ये जर्मेनियम है ये सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर जितने भी होते हैं उनका ताप बढ़ाने पर कंडक्टिविटी उनकी बढ़ जाती है, तो आपका जर्मेनियम सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, कह रहा है 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले सम षटभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका ये 18√3, इसका सही आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26वां, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो आएगा निकल के वो आएगा 7/8, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ्स का है और इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, +1 इसका दूसरा रूट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ? ये विजय प्रहार जो संपन्न हुआ था वो हुआ था आपके राजस्थान राज्य में, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 29th क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये आपकी साइना नेहवाल थी, साइना नेहवाल ने पीवी सिंधु को हराया था, और साइना नेहवाल यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 30 क्वेश्चन कह रहा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है 138वां, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ ये अंक समाप्त होता है। जय हिंद, धन्यवाद।